नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गजाला प्रवीण। ये नज़ारा पंजाब के मोहाली का है, जहां गाय के गोबर से गणेश जी की मूर्तियां और दिए बनाए जा रहे हैं। ये तो सभी जानते हैं कि त्योहारी सीजन शुरू हो गया है और दिवाली के पावन पर्व को अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में हर कोई दिवाली को लेकर काफी उत्साहित है, तो वहीं पंजाब में कुछ खास तरीके से दिवाली की तैयारी चल रही है। जी हाँ, पंजाब के मोहाली में एक गैर सरकारी संगठन ने दिवाली से पहले गोबर से मूर्तियां और दिए बनाने का काम शुरू किया है। बड़े पैमाने पर गायों को पालने वाले इस एनजीओ ने दीपावली को लेकर खास तैयारी की है। आइए आपको फिर दिखाते हैं किस तरह से गाय के गोबर से मूर्तियां बनाई जा रही हैं। बता दें कि ये एनजीओ 9 सालों से गायों की सेवा में लगा है। इसी के साथ एनजीओ के निदेशक ने बताया कि चंडीगढ़ और मोहाली में उनकी गौशालाओं में तकरीबन 1000 गायें हैं। उन्होंने और उनकी टीम ने मिलकर गाय के गोबर का उपयोग करने का फैसला किया और इससे स्टिक्स और फ्लावर पॉट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, दिवाली से पहले इन्होंने गणेश जी की मूर्तियाँ और दिए भी बनाने शुरू किए। अब आइए सुनते हैं एनजीओ के डायरेक्टर का इस पहल पर क्या कुछ कहना है। चंडीगढ़ और मोहाली में लगभग 1000 गौधन हमारे पास चंडीगढ़ में है और 1000 गौधन ही अप्रोक्सीमेट मोहाली की गौशाला में है। पिछले लगभग 9 वर्षों से गौ सेवा में हम लगे हुए हैं। हमारी एनजीओ गौरीशंकर सेवा दल है, जो समय समय पर केदारनाथ और अमरनाथ जी में भी लंगर लगाती है। और जब से हमने गौ सेवा में कार्य संभाला है, तब से सबसे पहले हमने गोबर के डंडे बनाए और उसके बाद, क्योंकि गोबर को हमें फेंकने में बहुत दिक्कत होती थी, गोबर साथ साथ कहीं ना कहीं यूज़ हो जाए और अच्छे कार्य में यूज़ हो जाए, इसके लिए हमारी सारी टीम ने बैठकर ये मन बनाया कि इसका कहीं ना कहीं सदुपयोग किया जाए। उसके लिए जैसे हमने डंडे बनाए, फिर हमने गमले बनाए, आज हम मूर्तियां बना रहे हैं और दीपावली के पर्व पर हम लाखों की तादाद में सोचकर बैठे हैं। बाकी प्रभु की इच्छा, हम दिए भी जलाएंगे। खास बात तो ये है कि एनजीओ गोबर से बनी मूर्ति को बेच नहीं रहा है और ना ही इसे कमाई का जरिया बना रहा है, बल्कि यहाँ गोबर की मूर्ति लेने आने वाले लोगों को बिना पैसे के ही ये मूर्ति दे रहे हैं। वहीं अगर कोई मूर्ति के बदले में कुछ भुगतान करना चाहता है, तो वो उन्हें उन पैसों से गायों को चारा खिलाने के लिए कहते हैं। अच्छी बात तो ये है कि अन्य प्रकार की मूर्तियों के मुकाबले देखा जाए तो गाय के गोबर से बनी ये मूर्तियाँ विसर्जन के दौरान बेकार नहीं जाती हैं, बल्कि पानी के साथ वो खाद के रूप में काम आ सकती हैं। बता दें कि इससे पहले राजस्थान में भी कुछ महिलाओं ने मिलकर गाय के गोबर से दिवाली के लिए दिए बनाए हैं। दरअसल दिवाली को इको फ्रेंडली बनाने के लिए गाय के गोबर से दिए बनाए जा रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।